नमस्कार, मैं सुनीता, अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके हूँ बिल्कुल आसान रेसिपी। ये बना रहे हैं हम देसी अंदाज में चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बनाना तो आप देखिए कितना आसान है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। ये देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से पका है, बहुत ही जूसी है। अगर आपने किसी को इसको इस बिरयानी को खिला दिया तो वो हमेशा आपसे इसी तरह की डिमांड करेगा। तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ अपने पैन में जिसमें हमें बिरयानी बनानी है उसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ मैंने 1 कप तेल डाला है। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह स्लाइसों में काट लिया, हमें इसको फ्राई करके निकालना है। तो पहले हम प्याज को डाल देते हैं। अब तेज आंच पर हम अपनी प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है तो अब हम इसे निकालेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे निकालेंगे उसके बाद भी ये अपना कलर चेंज करती रहेगी, अपनी गर्माहट में ये और भी पकती रहेगी। तो इतना कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब इस तेल में हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। एक मैंने स्टार लिया है, कुछ काली मिर्चें, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 4-5 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग है, जावित्री का टुकड़ा, 1 है बड़ी इलायची। तो इस गर्म तेल में इसको डाल देंगे मसालों को और साथ में डालेंगे 3 से 4 तेज पत्ते। थोड़ा सा खड़े मसालों को भून लेंगे। जब खड़े मसाले भून जाएंगे तो हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 750 ग्राम चिकन लिया है जिसको अच्छे से धो लिया है मैंने, तो इसको डाल देंगे। अब अपने चिकन को अच्छे से भून लेंगे हम। इस तरह तेल में भूनने से चिकन की जो भी स्मेल है वो निकल जाती है। तो हम पहले चिकन को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए हमने 5 से 7 मिनट चिकन को अच्छे से भून लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया भूनने से, इसकी जो भी स्मेल है वो निकल गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना पसंद करें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को सर्व करेंगे तो खाना देखने में भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें फूड कलर ना डालें। तो अब फूड कलर डाल के भी इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। यह हमारा चिकन अच्छे से भुन गया कलर के साथ भी। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली, अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं तो लाल मिर्ची कम कर सकते हैं, पर बच्चों की वजह से मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्ची डाल रही हूँ। और यहीं पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे मसालों को भी भून लेंगे। थोड़ा सा चिकन मसाले के साथ भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर को बिना पानी के पीस लिया है तो उसको डाल देंगे। अब इसको भी भून लेंगे चिकन के साथ टमाटर को भी। यह हमने मसालों के साथ चिकन को भून लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके प्याज को रखा था, उसमें से हम 1 मुट्ठी इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे
चार बड़े चम्मच दही, अब हम दही को भी मिक्स कर देंगे। अब हम अपने चिकन को 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमें ज़्यादा चिकन को नहीं पकाना, सिर्फ 80% पकाना है। तो इसको ढक देते हैं जब तक हम अपने चावल उबाल लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर 4 गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, इनको डाल देते हैं और पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। यहाँ हमारे चिकन को भी पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम अपने चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन, ये हमारा चिकन 80% तक पक गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारा पानी उबल रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा पानी कितने अच्छे से उबल रहा है। तो इस समय हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ मैं पहले नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। यहाँ मैंने चावलों को 2 घंटे पहले ही धोकर भिगो दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इन चावलों को डाल देंगे। इनका हमने सारा पानी निकाल दिया, अब चावलों को डाल देंगे। अब हम अपने चावलों को एक बारी मिला देंगे और इनको अच्छे से उबलने देंगे। ज़्यादा हमें चावलों को भी नहीं उबालना है, चावलों को भी हमें 80% तक ही उबालना है। तो अब हम पहले चावलों को अच्छे से उबलने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हम अपने चावल चेक कर लेते हैं पके कि नहीं। ये देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। ये ज़्यादा मैश नहीं हो रहे, सिर्फ नाखून से काटने से कट रहे हैं। तो इसी तरह का हमें चावल चाहिए। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम। अब हम अपनी सब्जी में जो हमने फ्राई की हुई प्याज रखी थी उसको इस तरह से डाल देंगे चारों तरफ। हरा धनिया डाल देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। अब अपने चावलों को डायरेक्ट पानी में से निकालेंगे इस तरह से, और इसको अपने चिकन में डाल देंगे इस तरह से, फैला देंगे इसको। यहाँ हमने चावल की सारी लेयर अच्छे से बिछा दी है। अब फिर से हम जो बची हुई प्याज है उसको, अब सारी प्याज को अब डाल देंगे हम। बस डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच पानी में फूड कलर डाल दिया था, उसको भी डाल देते हैं इस तरह से। अब हम जो चावलों में चावल का पानी था उसमें से हमने 1/2 कटोरी पानी निकाल लिया, उसको इस तरह से किनारों किनारों से हम डाल देंगे। अब एक फॉइल पेपर को लेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। और अब इसे अच्छे से ढक देंगे हम। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हम तेज आग पे पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हम 10 से 12 मिनट बाद मिलते हैं। हमारी बिरयानी को रखे 10 मिनट हो गए थे, उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था गैस को ऑफ करके। अब हम आपको अपनी बिरयानी दिखाते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं हमारे चावल। हल्के हल्के हाथों से इनको मिला लेंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं।
ये देखिए हमारी दम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो हरी मिर्ची डालोगे ना तो बिल्कुल मार्केट की तरह सफ़ेद सफ़ेद से बनेंगे, पर मैंने यहाँ लाल मिर्ची डाली है क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही चटपटा खाते हैं पर हरी मिर्ची नहीं खाते। तो इस तरह से हमारे चावल जो बिरयानी का कलर है वो इस तरह से आया है। तो जब भी आप बनाएं तो एक बार इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से पक गया है, अच्छा जूसी चिकन है, देखिए कितने अच्छे से टूट रहा है, ये हमारा अच्छे से चिकन पक गया है। तो ये हमारी बिल्कुल स्वादिष्ट और बिल्कुल इजी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।